हेलो क्लास, आज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पार्ट 18 में हम लोग मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इम्पोर्टेंट वैसे भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जो लोग मैनेजमेंट पढ़े हैं उसमें भी मोटिवेशन पढ़े होंगे, इसमें भी वही मोटिवेशन है। मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई काम होने वाला नहीं है। हिंदी में इसको अभिप्रेरण कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव से डिराइव है, काम करने का उद्देश्य क्या, जब उद्देश्य नहीं तो फिर आप काम करने से पढ़ इसलिए रहे, सब पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से सामने पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हमको ये काम करना है, ठीक है, हमें नॉलेज गेन करनी है, हमको ये जॉब गेन करनी है, क्या गेन करना है उसके लिए। मोटिव रिफर टू नीड वॉन्ट ड्राइव इम्पल्सेस विद इन, नीड ड्राइव इम्पल्सेस इंडिविजुअल्स के अंदर में क्या है इसको लेके मोटिव। अब मोटिवेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिससे लोग स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश दिस, कि जिससे कि वो एक पर्टिकुलर एक्शन को ले सके। इट इन्वॉल्व अराउजिंग नीड एंड डिजायर, जो नीड डिजायर को आपको अरोज करे, पैदा करे इन पीपल टू इनिशिएट एक्शन, कि जो अपना जो है एक्शन शुरू करें एंड डायरेक्ट देयर बिहेवियर इन अ पर्पसिव, और अपना जो है एक पर्पसिव मैनर में चीजों को कायदे से पूरा कर पाए, ठीक है। मतलब ये कि मोटिवेशन के द्वारा आप जो आपका लक्ष्य है उस तक पहुंचने में आपको ये हेल्प करता है और आप वो लक्ष्य के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। अब इसके करैक्टरिस्टिक क्या है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है सेम चीज से कोई पर्सन मोटिवेट हो और हो सकता है कोई सेम चीज से पर्सन मोटिवेट ना हो। सारा का सारा खेल पूरा का पूरा आपके मनोविज्ञान दिमाग के ऊपर है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे कोर्स लिखे रहते कि साहब किसी भी चीज को पढ़ के किसी आदमी को लगा कि नहीं साहब ये चीज हमें करनी चाहिए, ठीक है। जैसे बोलता है नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट 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 क्या है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब ये कि अभी आपने ये किया अब अगला क्या करेंगे, अब अगला क्या करेंगे, अभी तो उससे आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। जब आपके पास यही नहीं सोचने को है कि अगला काम हम करेंगे क्या, तो फिर आप डिसमोटिवेट होंगे और पढ़े रहेंगे ऐसे ही। दूसरी चीज है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार मोटिवेशन चाहिए। एक बार आपने कहीं पे सेमिनार अटेंड कर लिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन लिया, बस हो गया, ऐसे नहीं, डे टू डे। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी किताबें, सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशनल लेक्चर्स किसी के भी पर्सन के डेली सुनिए, जिससे आप डेली काम के लिए मोटिवेट रहिए, ठीक है। ये मोटिवेशन इज अ डायनेमिक सिचुएशन, इसी देखिए टीचर भी आपको लगातार पिंच करता रहता है, डेट तक काम नहीं किया तुमने, चलो ठीक से काम करो, काम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से, और जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा तुमने बहुत बढ़िया किया और बढ़िया करो, अच्छा इसको ऐसे ऐसे करो, तो वो मोटिवेशन डायनेमिक एंड सिचुएशनल, डायनेमिक और सिचुएशनल है, ठीक है। डायनेमिक और सिचुएशनल क्या होता है, अब जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पूरे साल भर पढ़ाई करते हो तो बढ़िया है ही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम देखे, एग्जाम टेंटुल आ गया, टेंटुल आ गया, एडमिट कर गए, अरे बस शुरू, डायनेमिक एंड सिचुएशनल, मोटिवेशन मिला, अब पूरा जितना वो जो नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा था दो तीन घंटा, वो दस दस घंटा पढ़ना शुरू कर दिया बात, ठीक है। लास्ट मूवर बट द फास्ट मूवर, कि लास्ट में मूव क्या, लेकिन बहुत तेजी से मूव करना शुरू करते हैं, इसलिए मूव करना शुरू करते हैं कि नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो डायनेमिक और सिचुएशनल, गोल ओरिएंटेड, एक पर्टिकुलर गोल होता है कि इस काम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, फिर सिस्टम का एक पर्टिकुलर सिस्टम से लगातार होता है, सिस्टम से ओरिएंटेड होता है, सिस्टम से ये चीजें रिलेटेड होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब जैसे एग्जाम है पास कर लेंगे, अच्छा नंबर ऊपर पा जाएंगे, गाड़ी बाइक मिल जाएगी, और निगेटिव घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, डांट पड़ेगी, मार खाएंगे, ये सब तो निगेटिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉजिटिव, अगर आप हैं पॉजिटिव मोटिवेशन है तो अच्छा मतलब पोस्ट हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमको सैलरी मिल जाएगी, हमको पर्क और मिल जाएगा, इस टाइप से। निगेटिव मतलब हमको हो सकता है बाहर निकाल दिया जाए। यूज टू स्टिमुलेट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करने के काम में ये आएगा। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल एंड कल्चरल नॉर्म, सोसाइटी और कल्चरल के भी अलग से बहुत सारे नॉर्म होते हैं जिससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज हमने बात किया मोटिवेशन और इसके नेचर और करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, मोटिवेशन पे ही अगला जो पार्ट होगा वो भी होगा। ओके, थैंक यू।